हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्किल्स। इन टुडेज वीडियो वी शैल लर्न हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग ए स्टोरी। सो लेट्स बिगिन। द स्टोरी फॉर टुडे इज द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। एक समय एक कौवा बहुत प्यासा था। एक समय यानी कि वंस। अगर मुझे कहना है कि एक समय की बात है तो मैं कहूंगा वंस अपॉन ए टाइम, लेकिन एक समय कहना है तो एक समय एक कौवा बहुत प्यासा था। वंस अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। था के लिए हम लोग वॉज का इस्तेमाल करते हैं, प्यासा को हम लोग थर्स्टी कहते हैं। तो वंस अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। एक समय एक कौवा बहुत प्यासा था। वह यहां वहां पानी ढूंढ रहा था। He was searching for water here and there. Searching यानी कि तलाशना, ढूंढना। क्या ढूंढ रहा था? For water, यहां वहां, here and there। जैसे मैंने कहा was था के लिए इस्तेमाल किया जाता। लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। बट ही कुड नॉट फाइंड वॉटर। लेकिन वो पानी नहीं ढूंढ पाया या उससे पानी नहीं मिला। कुड नॉट जो होता है वो पास्ट टेंस है। फाइंड वॉटर यानी कि फाइंड यानी कि ढूंढना, वॉटर यानी कि पानी। बट ही कुड नॉट फाइंड वॉटर, वो पानी नहीं ढूंढ पाया या उससे पानी नहीं मिला। अंत में उसे एक मटका दिखा। एट लास्ट ही सॉ ए पॉट। अंत में यानी कि एट लास्ट ही सॉ ए पॉट। सॉ जो है वो भूतकाल है, सी का भूतकाल सॉ है। सॉ यानी कि देखना। तो उसने एक मटका देखा। एट लास्ट ही सॉ ए पॉट। वह बहुत खुश हो गया। He was very happy. वह बहुत खुश हो गया। भूतकाल है तो he was very happy. जब वह मटके के पास गया तो उसका दिल टूट गया या वो बहुत नाराज हो गया, दुखी हो गया। When he went near the pot, he was disappointed. Disappointed यानी कि दुखी होना, नाराज होना, दिल टूट जाना। When he went near the pot, जब वो मटके के पास गया, he was disappointed. वो बहुत दुखी हो गया। मटके में पानी बहुत कम था। As there was little water in the pot. क्यों दुखी हो गया? क्योंकि मटके में पानी बहुत कम था। Little water यानी कि कम पानी। In the pot, pot के अंदर। There was का मतलब होता है कि वहां। There was a cow, यानी कि वहां एक गाय थी। उसने आशा नहीं छोड़ी। He did not lose hope. Did not जो है भूतकाल में इस्तेमाल। Hope यानी कि आशा। तो उसने आशा नहीं छोड़ी। He did not lose hope. उसने एक युक्ति सोची। He thought an idea. Present tense में हम think कहते हैं, past tense में thought कहते हैं। Idea तो आपको पता ही होगा, युक्ति। He thought an idea. उसने कुछ कंकड़ जमा किए। He collected some pebbles. Pebbles यानी कि कंकड़। Collected यानी कि जमा कर। He collected some pebbles. और एक एक करके मटके के अंदर डाल। एंड पुट देम वन बाय वन इनटू द पॉट। वन बाय वन यानी कि एक एक करके, पुट यानी कि डाल। एंड पुट देम वन बाय वन इनटू द पॉट, इसका मतलब है एक एक करके मटके के अंदर डाल।
उसने यह क्रिया कई बार दोहराई। He repeated this several times. Several यानि कि अनेक बार, repeat यानि कि दोहराना। He repeated this several times. धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। Gradually the water level started rising. ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे द वॉटर लेवल स्टार्टेड राइजिंग। अंत में पानी ऊपर तक आ गया, अंत में यानी कि फाइनली, और जहां तक चाहिए वहां तक आने को कहते हैं अप टू द मार्क। फाइनली द वॉटर लेवल केम अप टू द मार्क, यानी कि जहां तक चाहिए था वहां तक पानी का लेवल आ गया। कौवे ने पानी पिया, द क्रो ड्रैंक द वॉटर। ड्रैंक जो होता है ड्रिंक का पास्ट टेंस होता है। द क्रो ड्रैंक द वॉटर, कौवे ने पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। एंड फ्लू अवे हैप्पी, और खुशी खुशी उड़ गया। एंड फ्लू अवे हैप्पी, फ्लू जो होता है फ्लाई का पास्ट टेंस होता है। हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी। तो ये थी थर्स्टी क्रो की स्टोरी। अब आप इसको खुद बनाने को सीखिए। थर्स्टी क्रो। वंस ए क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। ही वॉज सर्चिंग फॉर वॉटर हियर एंड देयर, बट ही कुड नॉट फाइंड वॉटर। At last, he saw a pot. He was very happy. When he went near the pot, he was disappointed, as there was little water in the pot. He did not lose hope. He thought an idea. He collected some pebbles and put them one by one into the pot. He repeated this several times. Gradually, the water level started rising. Finally, the water level came up to the mark. The crow drank the water and flew away happy. दोस्तों, ये कहानी सुनाकर आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हो कि आप अंग्रेजी में कहानी बोलते हो। कोशिश कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।